भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार सुबह निधन हो गया। उनका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी से गहरा नाता रहा। 35 भाषाओं में करीब करीब 30,000 से ज़्यादा गाना गाने वाली लता ताई ने छत्तीसगढ़ी में भी एक गीत गाया जो अब इतिहास बन गया है। इस गाने की रिकॉर्डिंग कैसे हुई, चलिए हम आपको बताते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से आज पूरा देश दुखी है। करीब करीब हर भाषाओं में गाना गाने वाली लता दी ने छत्तीसगढ़ी में एकमात्र गीत गाया है जो छत्तीसगढ़ में शादी के मौके पर आपको जरूर सुनने मिल जाएगा। भकला फिल्म के इस गीत को गवाने के लिए गीतकार को उपवास तक रखना पड़ा था। दरअसल 22 फरवरी 2005 को मुंबई के स्टूडियो में लता दी ने ये गाना गाया था। इसके लिए मदन शर्मा ने नवंबर 2004 से लेकर फरवरी 2005 तक 4 बार मुंबई के चक्कर लगाए। चौथी बार मदन शर्मा ने तय कर लिया था जब तक लता दी गाना रिकॉर्ड नहीं कर लेगी तब तक उपवास पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ी गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो लता जी ने फीस की तय रकम में से 50,000 रुपये लौटा दिए। कहा था कि ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ी गीत है तो सबको मेरी तरफ से मिठाई खिलाना। लता दी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। छुट जाही अंगना तारी, छुट ही भैया के दुआरे।